गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। चिल्ड्रेन, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं साइंस में चैप्टर फर्स्ट, व्हाट एंड हाउ एनिमल्स ईट। इसमें आप लोगों ने पढ़ लिया है व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड, व्हाट डू एनिमल्स ईट, हाउ डू एनिमल्स ईट। हाउ डू एनिमल्स ईट में आप लोगों ने पढ़ लिया बाइटिंग एंड चीविंग द फूड, और आज हम लोग पढ़ेंगे नोइंग द फूड। आज का टॉपिक है नोइंग द फूड। लेट्स स्टार्ट। रैट्स, रैबिट्स एंड स्क्वायरल्स हैव लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट अ पीसेस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड। रैट, रैबिट, चूहे के पास, गिलहरी के पास, खरगोश के पास जो आगे के दांत होते हैं वे बड़े शार्प होते हैं, लंबे होते हैं, जिससे वे अपने फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेस कर पाते हैं सीड के और फ्रूट के। दिस इज कॉल्ड नविंग, इसे ही नविंग कहते हैं। नविंग में जी साइलेंट हो जाता है, यहाँ ब्रैकेट में बताया है कैसे बोलेंगे आप लोग, यानी डब्ल्यू आई एन जी, जी साइलेंट हो गया, इसे नोइंग बोलते हैं। दे आल्सो क्रैक नट्स विद देयर लॉन्ग फ्रंट टीथ, उनके जो आगे के लंबे दांत होते हैं वे नट्स को तोड़ने में भी हेल्प करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्वायरल और रैट्स जो होते हैं उनके आगे के दांत होते हैं, उससे वे नट्स को भी तोड़ लेते हैं। नट्स में आपने देखा होगा वॉलनट, पीनट, तो उसके जो ऊपर के पार्ट होते हैं वे बड़े हार्ड होते हैं, बड़े कड़े होते हैं, वो आसानी से नहीं टूटते हैं, लेकिन इनके आगे के दांत इतने नुकीले होते हैं कि ये उसे भी तोड़ लेते हैं। दीज एनिमल्स ब्रेक द फूड इन टू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ लार्ज ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ। इनके अंदर के जो दांत होते हैं वो भी बड़े मजबूत होते हैं, वो उसे क्या करते हैं, जो खाना होता है उनका वो छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं, काटने में हेल्प करते हैं, और उन्हें ग्राइंडिंग पीसने में भी, खाने में भी मदद करते हैं, उनके पीछे के दांत भी बड़े मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का टियरिंग एंड कटिंग द फूड। कार्निवोरस सच एज लायंस एंड टाइगर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट एंड होल्ड देयर प्रे। कार्निवोरस जैसे लायन, टाइगर, ये सब क्या होते हैं, ये सब कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, हैज शार्प फ्रंट टीथ, उनके आगे के दांत जो होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, टू बाइट एंड होल्ड देयर प्रे, वे अपना शिकार उसी से पकड़ते हैं और काटते हैं। दे आल्सो हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड टीथ ऑन द साइड टू टीयर एट प्लेस। उन लोगों के पास जो बगल में पॉइंटेड टीथ होता है लंबा सा, यहाँ देखिए पिक्चर में दिखा रहा है, ये देखिए ये पॉइंटेड टीथ ऑन द साइड टू टीयर एट प्लेस, बगल में जो लंबे लंबे दांत होते हैं ये उससे मांस को फाड़ते हैं। दे हैव शार्प बैक टीथ कट द फूड इन टू थिन पीसेस, और उनके जो पीछे के दांत होते हैं वो जो खाने के टुकड़े होते हैं उनको पतला पतला टुकड़ों में काटने में मदद करते हैं। कार्निवोरस हैव स्ट्रॉन्ग जॉ टू क्रश देयर फूड। कार्निवोरस के जॉ मींस होता है जबड़ा, जस्मीन जबड़ा, जो उनके पास जबड़ा होता है वो बड़ा मजबूत होता है क्रश देयर फूड, उनके खाने को क्रश करने के लिए, जिससे वो क्रश करते हैं। उनके पास कैसा जबड़ा होता है, बहुत मजबूत होता है, आप लोगों ने देखा होगा लायन जो है उसके पास ऐसा दांत होता है जिससे वो अपने शिकार को पकड़ पाता है, फाड़ पाता है, बगल के दांतों से मांस को खींच पाता है, और जो है पीछे के दांत भी उनके जो है बड़े स्ट्रांग होते हैं जिससे वे छोटे छोटे पीसों में उसको क्रश कर लेते हैं, उनके जॉ भी बड़े मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है लैपिंग मिल्क एंड वाटर। एनिमल्स सच एज कैट्स एंड डॉग्स मूव देयर टंग इन एंड आउट टू ड्रिंक वाटर एंड मिल्क, दिस इज कॉल्ड लैपिंग अप। एनिमल्स जैसे बिल्ली, बिल्लियां होती हैं, कुत्ते होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो कैसे लैपिंग अप मींस क्या होता है, जो ऐसे लप लप जीभ को बाहर निकालते हैं, अंदर करते हैं, इन एंड आउट करके ड्रिंक पानी को पीते हैं, दूध को पीते हैं, इसे कहा जाता है लैपिंग अप। तो आप लोग जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए, वे अपने टंग को अंदर बाहर करके पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे लैपिंग अप कहते हैं। ओके।
coming to the next page. Swallowing the food whole. Lizard and snake have small teeth for grabbing and holding their prey. लिजर्ड और स्नेक के पास जो दांत होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए. देयर टीथ आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू बाइट आर च्यू फूड. वो पर्याप्त नहीं होता है जो शिकार को पकड़ते हैं उनको खाने के लिए चबाने के लिए. दे सॉलो देयर प्रे होल. वो क्या करते हैं वे उसे पूरा निगल लेते हैं. आप लोगों ने देखा वो छिपकली स्नेक जो होता है उनके जो शिकार होते हैं वे पूरा उसको अपने मुंह में निगल लेते हैं. स्नैक्स कैन ओपन देयर माउथ वेरी वाइड टू सालो देयर प्रे. स्नैक जो है अपने शिकार को पूरा निगलने के लिए बहुत बड़ा सा ऐसे मुंह चौड़ा सा खोलता है. तो स्नैक और लिजर्ड ये सब क्या करते हैं अपने शिकार को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटते खा पाते वे पूरा उसे निगल लेते हैं. ए फ्रॉग uses its long and sticky tongue. फ्रॉग के पास क्या होता है फ्रॉग अपना भोजन कैसे लेता है अपना तो ये देखिए फ्रॉग के पास जो टंग होता है ना टंग मीन्स जीभ वो बड़ा लंबा होता है. टू कैच इट्स प्रे वे उसी से अपने शिकार को ऐसे कैच करता है. इट्स शूट इट्स टंग आउट टू ट्रैप इंसेक्ट. वो लंबा सा जीभ निकालता है उसी से उसका जीभ जो होता है बहुत स्टिकी चिपचिपा होता है चिपकने वाला होता है उसी में जो इंसेक्ट होते हैं कीड़े होते हैं उसी में चिपक जाते हैं. देन इट रोल्स द टंग बैक इनटू इट्स माउथ और उसी में रोल करके वापस अपने मुंह में ले आता है टू सॉलो देम और उसे निगल लेता है. द स्मॉल टीथ इन ए फ्रॉग्स माउथ हेल्प इट होल्ड द प्रे. फ्रॉग के क्या है मुंह में जो होता है दांत छोटे छोटे दांत छोटा सा दांत भी होता है इट्स होल्ड द प्रे शिकार को पकड़ने के लिए. एंड अर्थवर्म स्वालो सॉइल कंटेनिंग द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. अर्थवर्म जो होता है केचुआ आप लोगों ने देखा होगा वो कैसे स्वालो करता है कंटेनिंग द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स. जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं उनको और जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनको वो निकल लेता है. सकिंग द फूड इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज मॉस्किटोज एंड बीज. जैसे इंसेक्ट में बटरफ्लाइज हो गई तितलियां मॉस्किटोज मच्छर बीज मक्खियां हैव ए लॉन्ग थिन ट्यूब इन देयर माउथ. उनके पास एक पतला सा ट्यूब होता है मुंह में जो बहुत लंबा होता है. दिस ट्यूब हैज देम सक देयर फूड. वे ट्यूब उनकी मदद करता है उन्हें आहार लेने में. आप लोगों ने देखा होगा मच्छर है और तितली है ये सब ऐसे बैठते हैं तो एक डंक की तरह पतला सा पाइप होता है उनके मुंह में तो उसे क्या करते हैं उसी से फूल का रस चूस लेते हैं. ऐसी तरह वे अपना भोजन लेते हैं. लिचेस हैव हंड्रेड्स ऑफ टाइनी शार्प टीथ. लिचेस मीन्स होता है जोक. जोक के पास क्या होता है हंड्रेड ऑफ टाइनी शार्प टीथ. उसके पास करीब बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी दांत होते हैं जिससे वो टू कट थ्रू द स्किन ऑफ एनिमल्स दे स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स विद देयर माउथ एंड सक देयर ब्लड. वो जोक जो होता है उसके पास करीब हंड्रेड टीथ होते हैं छोटे छोटे. वो क्या करता है वो किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर चिपक जाता है और उसी से क्या करता है धीरे धीरे उनके ब्लड को खींचता है. ओके चलिए मैंने बता दिया है ये आज के लिए इतना ही. और अब मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है इसी से मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी. चलिए